आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 2 आम, मीडियम साइज के हैं। अब पहले मैं इनको छील लूँगी। पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है मैं इसको पहले कट करूँगी। और ये जो आम है वो सफ़ेद आम है, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। तो इसको पहले मैं छील लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों आमों को छील लिया है और मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। इसका जो सारा गुद्दा है वो हम जो है इसको पूरा निकाल देंगे। तो 2 आम का ही बना रही हूँ, आप जैसा चाहें वैसा बना लें। अब ये मैंने थोड़े और छोटे टुकड़े कर लेती हूँ इसके। क्योंकि आम का सीजन है तो आम की तो बहुत सारी ड्रिंक हैं जो इस टाइम पे बनाते हैं घरों में। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। बस इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे। ये मिक्सी का जार और जो ये जो सब आम है ये मैं जार में डाल देती हूँ। मैंने सारा जो है कटा हुआ आम इस जार में डाल दिया है। तो हमें एकदम सिंपल भी नहीं बनाना, तो थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ घर की। मैंने घर के जो दूध की मलाई होती है, मैं क्रीम नहीं डाल रही, घर की जो मलाई है वो डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब। मैंने ये मलाई डाल दी है इसमें। और ये जो है पिसी हुई बूरा, बूरा जो मार्केट में आती है, मैंने चीनी नहीं पीसी है, ये बूरा ली है मैंने। तो मैं ये भी 2 चम्मच डाल देती हूँ क्योंकि आम में भी मीठा होता है। तो मैं सिर्फ 2 ही चम्मच डाल रही हूँ, जो ज़्यादा पीते हों वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये फुल क्रीम, मेरा दूध है, 1 गिलास मैंने डाल दिया है। 1.5 डाल रही हूँ मैं, आधा और डाल दिया है। बस अब इसको हम पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। इसके बाद थोड़े से मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ इसमें। मैंने 1 ट्रे के करीब डाल दिए इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। और मैं इसे अच्छी तरीके से चलाऊंगी। Thank you.
देखिए अब हमारा ये जो मैंगो शेक है ये अब हमारा तैयार हो गया है। बस इसको इतना ही रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। ये मैंने किशमिश लिए हैं और ये कतरन है, पिस्ता है, बादाम, काजू, ये थोड़ा मैं अंदर डालूंगी और थोड़ा ऊपर गार्निश के लिए रखूंगी। एक बार और चला देते हैं इसको। लीजिए एकदम सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं है। अब हमारा मैंगो शेक जो है वो तैयार हो गया एकदम। अब मैंने ये 4 गिलास ले लिए हैं, इसमें हम सर्व कर लेते हैं। ये मैंने 4 गिलासों में डाल दिया है और इसके ऊपर से हम डालेंगे, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं ये आम के पीस। देखिए ये आएंगे ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे, तो दो दो किशमिश डाल देती हूँ। और मुँह में जब ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खाते भी रहो और पीते भी रहो। मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स से गार्निश किया है इसको। देखिए अब हमारा सुपर टेस्टी मैंगो शेक जो है तैयार है। आपको अगर अगर आपको मेरा ये ड्रिंक पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक नए रेसिपी के साथ नमस्कार।